हेलो एवरीवन, वेलकम टू तंजी शेख चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस यम्मी जीनी मसाला डोसा की रेसिपी, जो बहुत ही इजीली बन जाती है और इसमें कोई आलू की सब्ज़ी वगैरह यूज़ नहीं होती है। ये थोड़ा अलग तरीके से बनती है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने यहाँ पर ले लिया एक पैन, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा बटर 2 चम्मच के करीब, और साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ा सा इसमें ऑयल। बटर मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 छोटी चम्मच के करीब जीरा। जीरा को हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए अनियंस। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के अनियंस लिए थे। अनियंस को हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस थोड़ा हल्का सा कुक कर लेंगे। अनियंस हमारे थोड़े से सोटे हो चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ टमाटो। मैंने ये 1 टमाटो यहाँ पर लिया है। टमाटो को भी हम हल्का सा कुक कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बारीक कटी शिमला मिर्च। एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च मैंने यहाँ पर ली है, और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप कैबेज। इसे मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिया था। इन वेजेस को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़े से बारीक कटा हरा धनिया, साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ शेजवान चटनी। ये मैंने जो 10 रुपीज़ वाला पैकेट होता है वो 1 पैकेट यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टमाटो केचप, ये भी मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के लिया है। और साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ रेड चिली सॉस, ये भी 1 बड़ा चम्मच भर के लिया है मैंने। इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच रेड चिली का पाउडर, और मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। मैंने यहाँ पर ये मैशर ले लिया है, इससे मैं हल्का हल्का सा सब्जियों को ऐसा मैश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, सब्जियों का थोड़ा क्रंच इसमें रहना चाहिए। सब्जियों का मैंने मैश कर लिया है, अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने सॉसेस भी जो उसमें ऐड किए हैं उसमें भी काफ़ी नमक होता है, तो नमक देख के आप फिर इसमें डाल दीजिएगा। ये देखिए सब्जियाँ अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं सब सॉसेस वगैरह के साथ में। अब ये बिल्कुल रेडी है, अब हम चलते हैं डोसा बनाने की तरफ। मैंने यहाँ पर ये पैन ले लिया है, और अब मैं इसमें डोसा बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने ये डोसे का बैटर पहले से ही रेडी कर लिया था, तो अब हम इसके डोसा बना लेते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा है, और अब मैं इस पर लगा देती हूँ बटर। अब मैं डोसे पर डाल दूंगी हमने जो बनाया था ये इसका स्टफिंग, इसे अच्छी तरीके से इस पर हम डालकर फैला लेंगे। अब मैं यहाँ पर इस पर डाल दूंगी थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके। जिनी डोसा में पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ग्रेटेड चीज़, और अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, और अब हम इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे डोसे पर, और डोसे को थोड़ा हम क्रिस्पी कर लेंगे। फ्लेम को मैंने हाई रख दिया है। डोसा अच्छी तरीके से क्रिस्प हो चुका है, अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, और अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ थोड़े से ग्रेटेड चीज़ के साथ।
तो फ्रेंड्स रेडी है हमारा यम्मी वाला जीनी मसाला डोसा। आप भी इस रेसिपी का ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।